We have discussed so far test planning, test plan document, and test plan objective and motivation. Before we go to the output of the testing process or the results of the testing activity, we want to cover what is test case life cycle, what is what is STLC or software testing life cycle, and what are the kind of test suit. इंग्रेडिएंट्स और दी ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन चीजें करने के बाद हम हमारा एक टेस्ट प्लान कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट प्लान कंप्लीट हो जाएगा जिसमें टेस्ट केसेस होंगे हर टेस्ट केस का अपना लाइफ साइकिल के ऊपर हमारी एक नज़र होगी देन वी विल एग्जीक्यूट वी विल काइंड ऑफ क्या कहना चाहिए इमेजिन करेंगे कि एग्जीक्यूट हो गया एग्जीक्यूट हो गया तो अब रिजल्ट देंगे ठीक हो जनाब सो टेस्ट केस लाइफ साइकिल टेस्ट केस अंडरगोज सीरीज ऑफ स्टेप्स फ्रॉम क्रिएशन टू बींग डिलीटेड और डेप्रीकेटेड मैंने टेस्ट केस क्रिएट किया मैंने टेस्ट केस डेप्रीकेट कर दिया या डिलीट कर दिया क्या स्टेप्स होंगे टेस्ट केस इज अ प्रोसेस रादर देन सिंगल एक्टिविटी आप देखिए आज आपने एक टेस्ट केस फॉर एग्जाम्पल आपने आप एक एप्लिकेशन पे काम कर रहे थे उसमें उसकी एक्टिविटी थी या उसकी एक बिजनेस प्रोसेस था वो ए, ए और बी को ऐड करता था आपने उसके लिए टेस्ट केस लिखा प्रोसेस चेंज हो गया और ए बी और सी को ऐड करना शुरू हो गया तो अब क्या होगा टेस्ट केस इवॉल्व करेगा टेस्ट केस अपडेट होगा अच्छा जनाब अब करते करते वो ए सी आपके ए बी सी डी अप टू जेड चले गए लेट से आपके एक थी आपकी चेन थी फूड चेन थी उसमें आप दो कम आपकी लोकेशंस को ऐड करते थे उनका रिजल्ट या आप उसके जो आप टोटल जो है ना उसके अंदर रेवन्यूज को, का कलेक्ट को करते थे करते करते वो जेड तक चली गई अब आप, आप क्या करें छब्बीस दफा ऐड करेंगे दिस कि समबडी केम अप विद ए गुड सोल्यूशन उसने कहा जी ब्रांच ऑफिस होम ऑफिस कॉन्सेप्ट लेकर आए हर एक को एक ब्रांच क्रिएट करें ब्रांच क्रिएट करें जितनी मर्जी करते जाए जैसी ब्रांच क्रिएट होगी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट्स अपडेट होते रहेंगे अब क्या हुआ टेस्ट केस ये जो था जो छब्बीस और एक दो तीन चार पाँच छः पच्चीस छब्बीस खत्म हो गया अब ये तो डेप्रिकेट हो गया एक नया टेस्ट केस उसकी जगह पे आ गया सो टेस्ट केस इज अ प्रोसेस ये एक्टिविटी एक वन टाइमर नहीं है कि टेस्ट केस बना टेस्ट केस चला नहीं टेस्ट केस बना कभी अपडेट हुआ डिलीट में भी किया डेप्रिकेट किया रिव्यू होता रहा रिव्यू हुआ नहीं जी नहीं ना इसकी अपडेट की भी जरूरत नहीं है फिलहाल पड़ा है वो चलता सो इट्स एन एक्टिविटी है सॉरी इट्स अ प्रोसेस अच्छा डिजाइनिंग सिनेरियो प्रिपेयरिंग एग्जीक्यूशन इवेल्यूएटिंग स्टेटस टिल टेस्ट इज क्लोज ये आपको हमने एग्जाम्पल दी कि प्रोसेस है ये टेस्ट केस एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इन टू फंडामेंटल टेस्ट प्रोसेस विद फॉलोइंग स्टेप्स क्या स्टेप्स हैं जनाब प्लानिंग एंड कंट्रोल आपने पहले प्लान किया देन आपने कंट्रोल में आपने जाके तो देखा कि क्या इसको अपडेट रिक्वायर्ड है सो आपने उसको रिव्यू किया अच्छा स्कोप एंड रिस्क ओके एनालाइज डिजाइन यूज टू रिव्यू इंफॉर्मेशन वी नीड इन ऑर्डर टू स्टार्ट टेस्ट एनालिसिस एंड क्रिएट आर ओन टेस्ट केसेस इंप्लीमेंटेशन इन एग्जीक्यूशन सेट ऑफ अंडर अ टेस्टर विल एप्लीकेशन इज वर्किंग करेक्टली और नॉट ठीक है ना दिस इज पास और फेल ओके एग्जी एवेल्यूएटिंग एग्जिट क्राइटेरिया एंड रिपोर्टिंग क्या जी विच इज अ सेट ऑफ क्राइटेरिया फॉर फॉर ईच टेस्ट लेवल अगेंस्ट विच वी विल मेजर इफ इनफ टेस्टिंग इज डन ओके टेस्ट क्लोजर सो हमने क्या किया एक टेस्ट केस का लाइफ साइकिल फ्रॉम प्लानिंग फ्रॉम गोइंग इन टू देश फ्रॉम गेटिंग एंड टू टेस्ट क्लोजर हमने इसको देखा टेस्ट केस लाइफ साइकिल अगर आप इसको देखें हमने टेस्ट केस क्रिएट किया टेस्ट केस वाज क्रिएटेड अच्छा इसमें काफी सारे रिसर्चर्स ने काफी सारे इसके स्टेप्स बनाए हैं मुझे यूं लगता है कि सबसे अप्रोप्रिएट मिनिमल सेट शायद ये निकलेगा वी क्रिएटेड केस विद एन an ID एंड अदर डिटेल्स देन वी maintained दिस टेस्ट केस इन आवर repository फॉर यूज वी kept ऑन यूजिंग अ टाइम केम वेन वी नीडेड टू रिव्यू पीरियोडिक रिव्यू करना था मुझे चेक करना था क्या इसको कोई अपडेट की रिक्वायरमेंट है यान स्टेज वेयर वी आर कीपिंग दिस टेस्ट केस इन अवर डिपोजिटरी सो मैंने ये देखा है जनाब आप गौर करें कि या तो ये वापस चला गया आई दर कैप्ट एज इज ठीक हो गया जनाब या क्या किया मैंने अपडेट कर दिया अपडेट किया अब आप गौर करें अपडेट करके अगेन इट गोज़ बैक सो अगर आप इन स्टेप्स को दोबारा गौर करें पहले मैंने एक टेस्ट केस क्रिएट किया टेस्ट केस क्रिएट करने के बाद मैं उसको एक ऐसी रिपोजिटरी में ले गया जिसका मैंने नाम रखा मेनटेन अब मेनटेन के बाद मैंने क्या किया एक पीरियोडिक रिव्यू प्रोसेस प्लान किया इस रिव्यू प्रोसेस में या तो ये रिव्यू होके एज इज वापस अपनी रिपोजिटरी में चला जाएगा जो कि ये हो गया या क्या होगा ये जनाब अपडेट होगा और वापस अपनी रिपोजिटरी में चला जाएगा अब क्या यहां केसेस खत्म हो गए नहीं आपके पास दो केसेस बच गए अब ये रिव्यू हुआ तीन ही पॉसिबिलिटीज है ना जी या तो ये एज इज वापस अपनी रिपोजिटरी में गया या ये अपडेट होके चला गया या ये डिलीट और डेप्रिकेट हो गया डिलीट और डेप्रिकेट में फर्क है कि जनाब I will never require this test case. The test case with its execution history, everything I want to delete. Normally ham yening. Do Normally ham deprecate for will keep its previous data. We will manage the previous test execution records. However, for the purpose of upward usage, this is deprecated. This has, I mean, for all practical reasons, this test case ceased to exist. अब जनाब हम इसकी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ ए टेस्ट केस भी बना सकते हैं टेस्ट केस आपका यहाँ पहले हमने क्या देखा हमने देखा टेस्ट केस बना या तो हमारे पास एज़ इज यूज होता रहा या हमारे पास उस अपडेट होकर यूज़ होता रहा या डेप्रिकेट हो गया और डिलीट हो गया अब है कि अब टेस्ट केस मेरे पास मेंटेन की रिपोजिटरी में ही रहा अब इसकी क्या स्टेट state, स्टेट्स हो सकती क्या ट्रांजिशन ये ले सकता है पहली ट्रांजिशन अनटेस्टेड अब मेरे पास ये ब्रांड न्यू क्रिएट से बनके मेंटेन में आया अनटेस्टेड अनटेस्टेड से मैं इसे मैंने एग्जीक्यूट किया अब एग्जीक्यूट होगा तो अगेन इसकी दो तीन ऑप्शंस या दो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं या तो ये फेल हो गया अच्छा ये नेचुरल या ये ब्लॉक हो गया ब्लॉक से क्या मुराद है ब्लॉक से सर ये मुराद है कि आपका टेस्ट केस एक्स वाई जेड थे एक्स के बाद वाई ने चलना था वाई के बाद जेड ने चलना था एक्स पे आपका कोई क्रैश आ गया ट्रॉफिक फॉल्ट आ गया आपने आ, जो आपने जो क्राइटेरिया बनाया था फॉर सस्पेंशन वो एग्जीक्यूट कर गया अब आपके सौ टेस्ट केसेस थे पंद्रहवें टेस्ट केस पे सस्पेंशन होगी तो आपके टेस्ट केस बाकी के ब्लॉक हो गए बाकी के एग्जीक्यूट नहीं हुए यह भी हो सकता है कि के टेस्ट केस एक्स एंड वाई वाई देखिए जी आपने लॉग इन का टेस्ट केस आपने साइन इन साइन अप दो थे आपने साइन अप किया साइन अप नहीं हो सका साइन इन को कैसे आप टेस्ट करेंगे सो दिस मीन्स यूर साइन अप फेल्ड फॉर दैट रीजन साइन इन ब्लॉकड ओके सो हमने देखा अनस्ट से एग्जीक्यूटिव में गए एग्जीक्यूटिड से फेल्ड में गए फेल हुआ या ब्लॉक हो गया अब तीसरा केस क्या जनाब पास हो गया टेस्ट केस पास अब जनाबे वाला ब्लॉक से आपके टेस्ट केस फेल भी हो सकता है ब्लॉक से पास भी हो सकता है अच्छा ब्लॉक से फेल में आए या फेल इन, इन इनिशियली फेल हो जाए हमारे पास टेस्ट केस जब तक आपका यहां से पास स्टेट में नहीं जाता यू कैन नॉट क्लोज योर टेस्टिंग बिजनेस या आपकी टेस्टिंग एक्टिविटी क्लोज नहीं हो सकती लिहाजा फेल से पास सो आपको बड़ा जरूरी है कि जनाब अनटेस्टेड से एक स्टेट ट्रांजिशन डाइग्राम अनटेस्टेड से एग्जीक्यूशन में, में गया एग्जीक्यूशन से या तो फेल हो गया या ब्लॉक हो गया या पास हो गया पास हो गया तो वेल well डन अगर ब्लॉक हो गया तो या वो फेल हो जाएगा या वो पास हो जाएगा नंद फेल में जो भी आपके पास टेस्ट केसेज हैं हैव टू गो टू पास स्टेज सो आपके पास ये एक ट्रांजिशन स्ट्रेट ट्रांजिशन ऑफ टेस्ट केसेस बन गए